वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज जो वीडियो है वो एक्चुअली विलेज ब्लॉग होने वाला है। मैं आप लोगों को मेरा गांव दिखाने वाली हूँ। मेरा गांव इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही गांव है, शुरू होते ही ख़त्म है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेन रोड। यहाँ से अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो मिलेगा गोशानी मारी मार्केट, और अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो टाउन मिलेगा, डीनाथा टाउन। और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से हमारा गांव शुरू होता है। और ये जो मटका आप देख रहे हो, ये मटका सुबह को इस खजूर के गच्छी पे लगा के जाते हैं ताकि इसमें रस भरे। और अभी ये फिर रस भरा मटका निकाल रहे हैं और इस रस से इन लोग गुड़ बनाएंगे। यहाँ का एक बात है कि जो घर बनाने का स्टाइल है थोड़ा अलग है। जैसे यूजुअली लोग घर के जो छत है वहाँ पर टिन लगाते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉल्स है वहाँ पे भी टिन लगाया हुआ है। इसलिए गर्मियों के दिन में थोड़ा ज़्यादा गर्मी रहती है घर पे, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा बनाते हैं। ऐसा हमारा घर भी ऐसे ही है अभी, जो पहले से बनाया हुआ है। और ये रहा हमारा गांव का एक छोटा सा दुकान। जो आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा है, कुछ ड्रिंकिंग वाटर का टैप बन रहा है। अभी बनने के बाद ही पता चलेगा। और ये आगे जो आप देख रहे हैं ये गांव का स्कूल है। ये कोरोना के वजह से बहुत दिनों से बंद है ये स्कूल। Thank you.
और वो रहा हमारा घर, गाँव के एंड में है हमारा घर एकदम। और ये जो आगे आप देख रहे हैं वो मेरे अंकल का घर है, और वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये हमारा नए घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और इस साइड में देखिए जगह है खेती करने के लिए। और ये जो गच्छी आप देख रहे हैं ये बैंगन का गच्छी है, ये देखिए और छोटे छोटे बैंगन भी लगे हैं, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप लोग को, ये देखिए। और ये रही हमारे पुचकू, हमें देखते ही हमसे मिलने आ गई, और ये अभी चली भी गई अपनी मम्मी के पास। बहुत ही क्यूट है, न्यू बॉर्न बेबी है ये। ठीक है चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे गांव के सबसे ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही सुंदर सा तालाब है यहाँ पे, शाम के टाइम को टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, मैं आपको दिखाती हूँ चलिए। अभी इस तालाब में पानी कम है, जब ये बारिश का टाइम होता है तब ये पानी यहाँ तक आ जाता है, पूरा फुल रहता है ये तालाब, तब देखने के लिए और भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा गांव, कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो गांव की लेडीज़ होती है बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, उन लोग घर के कामों के साथ साथ जो अपने खेत का काम भी इतनी अच्छी तरह से कर लेते हैं, मतलब 12 मंथ उन लोग कुछ ना कुछ फार्मिंग करते रहते हैं। तो मैं तो कभी नहीं कर पाऊँ ऐसा कि घर का काम भी करूँ और खेत का काम भी करूँ और बच्चों को भी संभालती है, तो बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग वुमेंस है। और यहाँ का जो वेदर है ना बहुत ही गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा, अभी तक समर आया नहीं फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है मतलब, तो इसलिए इसके कारण मैं कहीं बाहर जा भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ही गर्मी है। दिन को तो बहुत ही गर्मी रहती है, जब शाम जब सनसेट के बाद थोड़ा वेदर ठीक रहता है, मतलब थोड़ा टेम्परेचर भी मतलब ठीक रहता है, नहीं तो बहुत दिन में तो कहीं निकल नहीं सकते, बहुत गर्मी है। ठीक है तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, थैंक यू।